गौ सेवा समिति नीमच द्वारा शहर में बेसहारा, बीमार, घायल, लाचार गौवंश की निरंतर सेवा और उपचार किया जा रहा है। इसी दौरान गौ सेवा दल टीम को आज राजीव नगर पुराना चरड़ी अस्पताल के पास से सूचना मिली कि एक गौ माता दो दिनों से एक प्लॉट में बने छोटे कुएं में गिरी हुई है। टीम के सदस्य अपनी गौ एम्बुलेंस में संसाधन लेकर मौके पर पहुंचे और मौके पर हरिजन बस्ती के सभी वाल्मीकि युवा भी आ गए थे और वहीं वार्ड पार्षद द्वारा तत्काल नगर पालिका की जेसीबी मंगवा कर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गौ माता करीब दो दिनों से कुएं के अंदर गिरी हुई थी, जिसे आसपास के लोगों ने देखा, जिसके बाद सभी को सूचना दी गई और उसके बाद जैसे ही बाहर निकाला गया गाय को तो उसका पिछला हिस्सा पूरा पानी में गीला हुआ था और जिसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय दो दिनों से अंदर गिरी हुई थी। इस अनुकरणीय सेवा में हरिजन बस्ती के सभी वाल्मीकि भाइयों की गौ सेवा दल टीम, वार्ड, नगर पालिका पार्षद और स्थानीय लोगों की सराहनीय भूमिका रही। ये जानकारी मितेश अहिर गौ सेवक ने दी। आज दोपहर की घटना है, ये राजीव नगर पुराना चौराहा अस्पताल के पास के वहाँ पर एक प्लाट के अंदर कोई कुइयाँ हैं, वहाँ दो दिनों से गाय अंदर पानी के अंदर पड़ी हुई थी। जो सूचना पर गौ सेवा दल टीम मौके पर पहुँची और वहाँ के आसपास के रहवासी, हरिजन बस्ती के वाल्मीकि भाई और वहाँ का पार्षद वगैरह सभी मौके पर पहुँच चुके थे। हमारी टीम भी मौके पर पहुँची, जिसके बाद पार्षद द्वारा नगर पालिका को सूचना कर वहाँ से जेसीबी बुलवाई और करीब एक घंटे के मशक्कत से उस गौ माता को बाहर निकाला हमने सभी ने मिलकर। हमारी सेवा कार्य पूरे नीमच शहर के अंदर की जा रही है। कहीं पर भी बीमार, घायल, लाचार गोवंश की सूचना या अन्यजीव की सूचना मिलती है, हमारी टीम के सदस्य मौके पर पहुंचते हैं और घटनास्थल पर ही अगर उपचार होना होता तो उसको वहीं उपचार कर छोड़ देते हैं, या फिर ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है तो उसको हमारे उपचारशाला पर लेकर आते हैं। वहाँ के आस पास में जो हरिजन बस्ती है वहाँ पर हमारे एक नरवली जी हैं, रोहित जी, उनके द्वारा सूचना मिली हमारी टीम को, जो हम मौके पर पहुंचे वहां पर। नीमच से पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।